Hey guys, once again, welcome back to your channel. It's your boy Siddharth Shankar. And guys, next week मैं hair treatment करवाने जा रहा हूँ. तो अगर वैसे तो videos आते रहेंगे continuously, but अगर थोड़ा बहुत delays हो तो please patience रखिएगा. The changes in me is because of you and the changes in me is for you. So thank you so much for that. मिलते हैं आपको video के end में. Excuse me. Just a second. आप अकेले हो? Do you need any help? यहाँ पे कहीं बैठने की जगह है? ऊपर आ जाइए. Wait. Yeah. Thank you. Thank you so much. Welcome. अरे नहीं नहीं नहीं. Sorry. Thank you, yaar. Thank you. आप लोग यही हो? चले गए? आप से दो मिनट बात कर सकता हूँ? आगे जाके देते ना, सुन लिए. आप सुन पा रहे हो मेरे को? यार, एक पर्सनल सा सवाल है, पूछ सकता हूँ क्या आपसे? आई मीन आपके पास दो तीन मिनट है. अगर ऑड लगे तो माफ़ करना यार. वो क्या है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड शालिनी बहुत लाइक हमारा 5 साल का रिलेशनशिप है और पिछले 6 महीने से ना वो यूएस चली गई है. मतलब मुझसे पूछ के गई थी. शुरू शुरू में वो रोज़ कॉल करती थी. कई बार तो लाइक दो तीन तीन बार कॉल करती थी. कह रही थी बहुत याद आती है. बट अब ऐसा होता है कि पहले एक दिन बाद कॉल करना शुरू किया, फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद. अब एक एक हफ्ते हो जाते हैं, 10-10 दिन हो जाते हैं कॉल ही नहीं करती वो यार. मैं क्या लगता है, मैं नहीं करता. मैं करता हूँ तो दो तीन दिन बात पिक करती है. फिर कहती है कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है. लाइक बहुत ज़्यादा वो बहुत, मतलब मैंने उसको कभी आँखों से देखा तो नहीं है, बट इतनी सुंदर है दिल की वो कि मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ. लाइक अगर मैं उससे पूछता हूँ, अगर मैं नहीं चाहता कि मैं उसको पूछूँ कि कॉल क्यों नहीं कर रही, बिकॉज उसको लगेगा मैं उस पर शक कर रहा हूँ. तो इसलिए मैं पूछता ही नहीं. मैं कहता ठीक है, बट कहीं ना कहीं अंदर से मुझे अजीब लगता है, बहुत दर्द होता है. तो बस इसीलिए आज मैं मतलब रास्तों का अंदाज नहीं लगा पा रहा. बट अंदर ही अंदर मुझे बहुत उलझन हो रही है. क्या बोलूँ इसको, इससे पूछूँ, उससे बोलूँ? पैसा नहीं है यार मेरे पास, पता है. मैं वैसे जॉब करता हूँ अभी, 40-50 हज़ार रुपये महीने कमाता भी हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मैं शालिनी के लिए इतना कुछ अच्छा करूँ ज़िंदगी में कि इसको कभी यूएस जाने की ज़रूरत ना पड़े. इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत गाता था. बस शालिनी ने बोला कि तुम्हें गाना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है. अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूँ और इतना पैसा कमाऊँ ना कि शालिनी के लिए मैं इंडिया में ही कुछ कर दूँ. जो भी चाहती, छोटा सा फर्म खोलना, जो भी उसका सपना है, मैं सब कुछ उसको इंडिया में ही अवेलेबल करा दूँ. शुरू कर दूँ. वो भी सीख रहा हूँ. है ना थोड़ा सा अजीब कि मैं देख नहीं सकता बस गिटार बजा सकता हूँ. सब चलने के लिए पता है. मैं आप बजा के दिखाओगे? जी अभी सुना दूँगा. लाइक अभी मैं सॉरी, दिल के अंदर की जो बात है मैं
बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मैं हल्का फील करूँ। आई एम सॉरी, मतलब जैसा कि मैं देख नहीं सकता, बट भगवान ने मुझे चीज़ें दी है कि मैं लोगों की आवाज़ सुन के एहसास कर सकता हूँ। आप लोगों की आवाज़ से आप सही लग रहे हो, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, वरना कौन किसकी आजकल सुनता है यार, किसके पास टाइम है। सुना देता हूँ, आप मुझे बता भी देना कि मेहनत मेरी सक्सेस हो सकती है कि नहीं। क्या कभी शालिनी को मैं इंडिया में बुला पाऊँगा? जरूर, मैं आपको सॉन्ग तो सुना दूंगा, बट डेडिकेटेड शालिनी के लिए ही होगा। आई होप आप बुरा नहीं मानो। वैसे आप लोगों को गाने का शौक है? अभी स्कूल में या कॉलेज में गाया आपने? आप दोनों ने गाया था? मैंने गाया है, हमने सेम स्कूल में स्कूल में गाया था। बहुत काफी टाइम से आप लोग दोस्त हो? ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। पता है बहुत याद आती है यार शालिनी की। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल, हो ना हो कल मुझको इजाजत, हो ना हो टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। टूटे टूटे कबा विच दिसदा है तू, मैनू छड़ आज कल किसदा है तू, तेरे बाजू मेरा कोई और ता नहीं, हाल मेरा आके क्यों नहीं पूछदा है तू। ना तेनू चावा है ना समझी तू, तेरे नाल कितनी जिंदगी, जदों तू दिखेगी तेनू दसांगे तेरे नाल मेरी हर खुशी।
तू ही जिंद मेरी ये दिल दा करार नी, तू ही जिंद मेरी ये दिल दा करार, तू आज तनु रब दा वास्ता उड़ी कदम तेरा रास्ता, तू आज तनु रब दा वास्ता उड़ी कदम तेरा रास्ता, मैं फिर भी तुम मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। बहुत अच्छा गाया आपने। यार इतना अच्छा था कि कुछ हो सकता है, मतलब आपको ऑडिशंस वगैरह में भी ट्राई करना चाहिए, आपको अच्छा करूंगा, शानने के लिए कुछ भी करूंगा। थैंक यू। जब भी शालिनी को याद करता हूँ तो फील अपने आप ही आ जाता है। क्या बताऊँ उसको कि मुझे अजीब लगता है फोन नहीं करती, पता नहीं यार, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, उसको लगेगा मैं उसके चैट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूँ, क्या करूँ, लाइक मैं कुछ भी हो यार मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा सिंगर बन सकूँ ताकि शालिनी को मैं इंडिया वापस ले आऊँ। पता है मैं थैंकफुल हूँ यार उन चीज़ों का भी जो भगवान ने मुझे दिया है। मानता हूँ मुझे आँखें नहीं दी भगवान ने, बचपन से देख नहीं पाता, बट उसके अलावा भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ दिया है, आवाज़ भी दी है, सिक्स सेंस भी अच्छा है, मैं एक दो जो बार जहाँ जाता हूँ रास्ता मुझे याद हो जाता है। आर यू गाइस ओके? व्हाट हैपेंड, आर यू गाइस ओके? Hello? Are you guys okay? Can you hear me? आज का इस वीडियो करने का पर्पज़ किसी ब्लाइंड मैन के इमोशंस को हर्ट करने का नहीं था, बल्कि मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि अगर भगवान ने आपको कोई चीज़ कम दिया है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ स्पेशल दिया है, या कुछ ना कुछ ज़्यादा दिया है। दो चीज़ें होती है, एक होता है कि विजन आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो विजन सबसे मैटर करता है, और आपकी कंटिन्यूस एफर्ट्स काम करते हैं, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करते हैं और कई बार हारते हैं फिर भी लगे रहते हैं तो हर बार आप सीखते हैं, अगर आपका विजन मजबूत है आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो। जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में बोला था हकले प्रैंक में, वीडियो मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ हो सकता है उन्होंने मजाक में वो कमेंट्स किया था, बट जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कमेंट आया था मेरे में जहाँ पे लोगों ने बोला कि मुझे पबजी खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं इसमें फ्यूचर बना सकता हूँ? अगर आपका विजन यहाँ पे अच्छा है तो आप इसमें फ्यूचर बना सकते हैं। मानता हूँ मैं आपके पबजी खेलना अच्छा लगता है, इसका मतलब कि आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है, राइट? सो आप और थोड़ा मेहनत करो इस चीज़ में, आप दूसरे तरह तरह के गेमिंग्स को सीखो, गेमिंग गेम के बारे में जानो, उनको और खेलो, उनको और अच्छी तरह जानो, और आप देख सकते हो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो गेमिंग की दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सिर्फ यूट्यूबर ही बनने का वो नहीं है, आप गेमिंग में, आप डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना शार्प है, आप गेमिंग इंजीनियर बनना चाहते हो या गेमिंग में यूट्यूब के जरिए कुछ करना चाहते हो, गेमिंग का अपना शॉप खोलना चाहते हो, डिपेंड करता है कितना बड़ा करने का आपका विजन है, राइट? सो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल शायद मजाक में ही बोला था उन्होंने जिसने भी कमेंट किया था कि उनको फ्लर्टिंग करना अच्छा लगता है, सो अब अगर इसमें हम करियर देखें तो क्या सकता है? तो मैं आपको बता दूंगा इसके, अगर आपको सच में फ्लर्टिंग करना अच्छा लगता है, आप टॉकेटिव हो, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप इजिली फ्लर्ट कर सकते हो, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो,
सबसे पहले आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आप एक फ्लर्टिंग टीचर बन सकते हो। आपको बहुत एग्जांपल्स यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको कैसे लड़कियों से बातें करना है, आपको कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, आपको कैसे फ्लर्ट करना है, राइट? एंड दे आर डूइंग वंडर्स। वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा पर्पस सिर्फ यही बताने का है कि नो मैटर कि आप अच्छे सिंगर हो या आप अच्छे एक्टर हो, इनके अलावा भी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका अगर विजन अच्छा है तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर एक चाट वाला, ठेली वाला, एक फुल्की वाला, कोई भी इंसान अगर उसका विजन है ना, अगर वो कंटिन्यूसली मेहनत कर सकता है तो वो अपने फ्रेंचाइजीज डाल सकता है। सो हर चीज़ में, नो मैटर कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम में आप स्पेशल हो, टाइम लगता है, बट अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी मैं भी सड़कों पर गा रहा हूँ एक विजन के साथ, देखते हैं कि ये विजन मुझे कहाँ तक पहुँचाता है। मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ, बट मुझे इस चीज़ें रियलाइज़ करने में अपने 8-10 साल मुझे वेस्ट करने पड़े, वेस्ट क्या, इन्वेस्ट करने पड़े। और गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ये मौका बार बार नहीं आता, तो आप फ्री ऑफ चार्ज डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और खुद